डाउन पेमेंट कितना लगेगा? कम से कम 50। तो सर इस ई रिक्शा की कीमत कितना है? कीमत इसको फाइनेंस करा सकते हैं हम? जी फाइनेंस की सुविधा है सर। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सोनू अली, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू अली ब्लॉग्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर एक नए ई रिक्शा के साथ आ चुके हैं आपके सामने, और ये ई रिक्शा है सार्थक कंपनी का, जो की इंडिया में काफी पॉपुलर कंपनी है। और ये जो मॉडल है आपको देख सकते हैं यहाँ पे 2023 का ये मॉडल है, इसी का आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं और इसका बताने वाले हैं प्राइस, माइलेज, कीमत कितना है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी फ्रंट लुक की, तो देख सकते हैं काफी शानदार यहाँ पे ब्लू कलर आपको देखने को मिल जाता है। सामने तरफ आपको मिलता है एक छोटा सा विंडशील देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपको धूल मिट्टी पानी वगैरह से बचा के रखता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिल जाता है सार्थक का ब्रांडिंग किया हुआ, जो कि काफी अच्छी है। और नीचे तरफ आपको मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको DRL लाइट मिलता है LED में, और यहाँ पे आपको मिल जाता है हाइलोजन लाइट। और नीचे तरफ देख सकते हैं आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर मिलता है, जिसके साथ आपको हेलिकल स्प्रिंग शॉक ऑब्जर्वर भी मिल जाता है। और यहाँ पे आपको सामने तरफ मिलता है स्टील का एक मडगार्ड देख सकते हैं यहाँ पे, और आपको यहाँ पे मिलता है 3/75/12 टायर, जो कि MRF कंपनी की तरफ से आता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है सार्थक का ब्रांडिंग देख सकते हैं यहाँ पे। और इस साइड में देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ इस प्रकार का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जो कि आपको हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इसमें नहीं मिलता है, मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिलता है इंडिकेटर लाइट, यहाँ पे मिल जाता है आपको सार्थक का ब्रांडिंग कुछ इस प्रकार के ग्राफिक के साथ, और कुछ इस प्रकार का इसका साइड का लुक आता है देख सकते हैं यहाँ पे। और इस ई रिक्शा का ग्राउंड क्लियरेंस जो है काफ़ी सही है। और बात करते हैं हम इसकी ड्राइवर कंफर्ट की, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे ड्राइवर का जो कंफर्टेबल सीट दिया गया है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है बैक रेस्ट सार्थक की ब्रांडिंग के साथ, और यहाँ पे एक छोटा सा डिक्की मिल जाता है, आप इसमें सामान वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। और हैंडल बार की अगर बात कर देख सकते हैं यहाँ पे हैंडल कुछ इस प्रकार का दिया गया है, और इसमें मिल जाता है देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार के आपको चाबियाँ देखने को मिलती हैं, दो दो चाबियाँ और दो सेंटर लॉक रिमोट कंट्रोल चाबी यहाँ पे मिल जाती है, जिससे आप अपने गाड़ी को ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने ई रिक्शा को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आपको यहाँ पे मिल जाता है बैटरी का कैपेसिटी, उसके साथ आपको सार्थक का ब्रांडिंग मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है, आपको लगभग इसमें 30 तक का स्पीड आराम से देखने को मिलता है। क्रोम फिनिश में आप देख सकते हैं इसका डायलर जो है काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम हैंडल भी आपको मिलता है, और कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे मिल जाता है पासिंग लाइट, और यहाँ से आप अपने लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से हाई बीम लो बीम कर सकते हैं, और यहाँ पे अपने इंडिकेटर को टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे अपने हॉर्न को भी बजा सकते हैं, हॉर्न इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्रंट ब्रेक, यहाँ पे मिल जाता है एक्सीलेटर, यहाँ से आप अपने रिवर्स फ्रंट कर सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे सिस्टम दिया गया है देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक छोटा सा वाइपर का मोटर, उसी के साथ आपको मिलता है यहाँ पे एक छोटा सा स्विच देख सकते हैं यहाँ पे, और कुछ इस प्रकार का यहाँ पे दिया गया है। और पीछे साइड देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है म्यूजिक प्लेयर सिस्टम, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एम्पलीफायर मिल जाता है, उसके साथ दो आपको स्पीकर भी मिल जाता है, जो कि आपको ई रिक्शा चलाने में काफ़ी अच्छा लगता है, गाना बजाते बजाते आप आराम से इस ई रिक्शा को चला सकते हैं। और पीछे तरफ देख सकते हैं यहाँ पे आप लगभग दो से तीन पैसेंजर यहाँ और 2 से 3 पैसेंजर यहाँ आराम से आप बैठा सकते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पे। और कुछ इस प्रकार का इसका डिज़ाइन दिया गया है, यहाँ पे सार्थक का ग्राफिक्स वगैरह लगाया गया है, और 4 यहाँ पे देख सकते हैं हैंडल का ग्रिप दिया गया है पैसेंजर को पकड़ने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है सेफ्टी के लिहाज से। और कुछ इस प्रकार का पीछे का इसका लुक देख सकते हैं यहाँ पे, कुछ इस प्रकार का इसका पीछे का लुक आता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है सार्थक का ब्रांडिंग, यहाँ पे मिलता है आपको स्टेपनी टायर जो कि एक कवर के साथ आता है, काफ़ी अच्छा यहाँ देखने में लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिल जाता है इंडिकेटर लाइट, टेल लैंप और ब्रेक लाइट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप अपने नंबर प्लेट लगा सकते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा बम्पर आपको दिया गया है जो काफ़ी सॉलिड है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिल जाता है BLDC मोटर मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे लिप स्प्रिंग के साथ 2 शॉक ऑब्जर्वर भी मिल जाता है पीछे तरफ, और इसकी मोटर जो है आपको 1000 वाट का यहाँ पे मोटर देखने को मिल जाती है। मोटर की अगर वारंटी की अगर बात करें तो 1 साल की इसमें वारंटी भी मिल जाती है, और इसमें 4 बैटरी आपको देखने को मिलता है, 2 बैटरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि ईस्टमैन कंपनी की तरफ से आता है बैटरी, और 2 यहाँ पे भी लगा है। और बैटरी की भी आप बात करें वारंटी की, तो यहाँ पे 1 साल की वारंटी मिल जाती है। तो आइए सर से बात करते हैं, इसकी प्राइस माइलेज वगैरह पूछते हैं, तो चलिए अभी बने रहिए वीडियो में हमारे आखिर तक। तो सर स्वागत है आपका हमारे वीडियो में।
नमस्कार सर, हम योगेश मर्तिवारी बोल रहे हैं अकबरपुर अम्बेडकर नगर से, आसिम ट्रेडर से। ओके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ई रिक्शा लेना है आपको तो यहाँ से आप अपने संपर्क कर सकते हैं। और यूपी के अम्बेडकर नगर जिले से आप देख रहे हैं आजमगढ़ या कहीं से देख रहे हैं तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा प्राइस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और कुछ डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। ओके सर। जी सर। ओके, तो सर इस ई रिक्शा की कीमत कितना है? कीमत इसका 1,65 है। 1,65,000 ऑन रोड। ओके सर, तो इसको फाइनेंस करा सकते हैं हम? जी सर, फाइनेंस की सुविधा है सर। ओके ओके, तो फाइनेंस किस बैंक से आप कराते हैं सर? जी महिंद्रा से। महिंद्रा फाइनेंस से। ओके, और सर फाइनेंस के लिए इसके डाउन पेमेंट कितना लगेगा? कम से कम 50,000। कम से कम 50,000 रुपये, देख सकते हैं आपको लगभग 50,000 रुपये डाउन पेमेंट करके इस ई रिक्शे को आप फाइनेंस करा सकते हैं। ओके सर। जी सर। ओके सर, तो इसकी माइलेज कितना है अभी यहाँ पे? माइलेज कम से कम 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर कम से कम चलता है, ड्राइवर तो बताते हैं 120-110 भी चल जाता है। 100 प्लस है। ओके ओके, देख सकते हैं यहाँ पे 100 प्लस का माइलेज भी आपको मिलता है। और सर ये जो इसका स्पीड है बताइए सर, की स्पीड 30 से 35 तक का स्पीड भी मिल जाता है, काफी अच्छा लोडिंग भी है इसमें कर सकते हैं। और सर इसकी गारंटी वारंटी इसमें देखने को कितना मिलती है? वारंटी है 1 साल की, मोटर बैटरी कंट्रोलर की। ओके, मोटर कंट्रोलर बैटरी का 1 साल की वारंटी इसमें देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं। तो आपको तो देख सकते हैं आपको तमाम सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को आज ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।